टिश्यू के बीच में, मतलब जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उधर पे जो स्पेस होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होती है। तो बेटा ये जो हमने स्पेस बनाई हुई है, ये स्पेस एक्चुअली में हमने ज्यादा बनाई हुई है, ठीक है, पर वो है बहुत कम। ये देखो, ये देखो, तो ये जो स्पेस है ये है आपके एपिथेलियल टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है, करेक्ट, राइट। दो एपिथेलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंटर सेल्यूलर स्पेस। और यही जो सब्सटेंस है यहाँ पर ये इंटर सेल्यूलर स्पेस में, इसको हम कहते हैं इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो अब बच्चों आपको डाउट है कि जब यहाँ पर इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स है तो जंक्शन कहाँ पर होते हैं बेटा? ये देखो, ये पूरे में आपका इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स है, जंक्शन किधर होगा? ये देखो, जंक्शन जो है बेटा वो एक प्रोटीन है। अब टाइट जंक्शन इधर पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब एडेरिंग जंक्शन करीबन ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो आपका गैप जंक्शन होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा? ऐसे प्रेजेंट होगा, राइट। गैप जंक्शन ऐसे प्रेजेंट होगा। तो ये जो जंक्शन है ये दो सेल के बीच में जस्ट एक प्रोटीन चैनल है जो प्रेजेंट है, बाकी जो पूरी स्पेस है उसमें तो बेटा मैट्रिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो दो सेल्स के बीच में जो जगह है उसमें मैट्रिक्स है, और वही मैट्रिक्स में बीच बीच में आपके प्रोटीन के चैनल्स है, जो कि आपके तीन टाइप ऑफ जंक्शन, दैट इज जो मैंने ग्रीन बताया है वो सेल के ऊपर एकदम टाइट जंक्शन, फिर आपका एडेरिंग जंक्शन, एंड देन आपका गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं ना बेटा उसमें वो जो थोड़ी सी स्पेस है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इसीलिए होती है ताकि जो दो सेल है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना रहे। जो कॉन्टेक्ट करता है आपके दो सेल को वो आपका गैप जंक्शन के द्वारा होता है। गैप जंक्शन से ही एक सेल से चीजें दूसरे सेल तक जा पाती है, ठीक है बेटा। आई होप अब आपको क्लियर है कि कहाँ पर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, कहाँ पर जंक्शन है, और ये कैसे प्रेजेंट है।